तो तस्वीर ट्रक का पता चला सर, कोई ट्रक वाले का नहीं, हम तो पड़े हैं। कहाँ पड़े आदमी? सर वो बड़ा बोर्ड लगा ना गाड़ी के एंट्री परली साइड में। हाँ जी हाँ जी, वो गाड़ी खड़ी बंदा बोर्ड पे है। तो वहाँ क्या पड़ा सर? बंदा पड़ा हुआ। एक और किसी को मार गया कोई लगता है? एक और व्यक्ति को आगे शायद कोई मार के गया है, क्या वो उसकी हालत कैसी है उस पर भी हम जाएंगे ताकि आपको बताया जा सके। लेकिन एक बहुत ही दर्दनाक हादसे में एक माँ की और एक बेटी की मौत हो गई। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो तस्वीरें देख सकते हैं, अभी 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 एक और हादसा हो जाता है नेशनल हाईवे पर। एक व्यक्ति को जो सड़क क्रॉस कर रहा था उसकी बुरी तरह से कोई बड़ा वाहन टक्कर मारकर चला गया। और आप देख सकते हैं जैसे ही दूसरे एक्सीडेंट की कवर कर रहे थे तभी जानकारी मिली है कि एक और व्यक्ति को टक्कर मारकर फरार हो गया। तुरंत आप देख सकते हैं 112 की गाड़ी में किस तरह से उस घायल को हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। वो शख्स बुरी तरह से वो भी चोटिल हुआ है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं 112 की गाड़ी में। उस व्यक्ति को भी हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है। ये तस्वीरें नेशनल हाईवे पर है, नेशनल हाईवे पर इस तरह से बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। और एक बहुत ही दर्दनाक हादसा पहले भी हुआ जहां की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, और अब भी आप देख सकते हैं कि एक घायल व्यक्ति को बुरी तरह से हॉस्पिटल में लेकर जाया जा रहा है। बुरी तरह से वह चोटिल हो गया। कौन था वह गाड़ी वाला जो टक्कर मारकर भागा, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। आप देख सकते हैं हादसा बहुत ही भयानक हुआ है। इस व्यक्ति की हालत भी बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है, जिसके बाद आप देख सकते हैं 112 की पुलिस की टीम जैसे मौके पर पहुंची और अपनी गाड़ी में तुरंत जो है हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। नेशनल हाईवे पर रोजाना इस तरह के दर्दनाक हादसे होते हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। हाईवे पर चलते समय सावधानी बरते जाने की बहुत जरूरत है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक हादसा हुआ था जिसमें एक 2.5 साल की बिटिया और उसकी मां की मौत हो गई, और उसी हादसे के 10 कदम दूरी पर एक और बड़ा व्हीकल को एक व्यक्ति को टक्कर मारकर भाग गया, जिसके बाद आप देख सकते हैं 112 की गाड़ी उस घायल को हॉस्पिटल लेकर जाती हुई नजर आ रही है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। एक बहुत ही भयानक एक और सड़क हादसा हुआ, जिसके बाद 112 की गाड़ी यहां पर मौके पर पहुंची और उस घायल को भी हॉस्पिटल में ले जाया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ। कौन व्हीकल था जो टक्कर मार गया कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस की टीम तुरंत भागी मौके पर आई, जैसे लोगों ने बताया कि एक और यहां पर हादसा हुआ, जिसके बाद उस व्यक्ति को भी 112 की गाड़ी हॉस्पिटल ले गई है। एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ। सर क्या बताना चाहेंगे, एक और हादसा हुआ यहां पर जब दूसरा हादसा? अभी इसके बारे में पता नहीं है, गाड़ी अननोन है, गाड़ी का नंबर भी नहीं पता अभी तक। तो काफी बुरी तरह से चोटिल हुआ है? बुरी तरह चोटिल है, 112 में ले गए हॉस्पिटल ले गए सर। हाँ जी सर। तो बिल्कुल एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया गया, क्योंकि जब तक एम्बुलेंस का इंतजार होता तो तब तक उस व्यक्ति की जान जा सकती थी, क्योंकि बुरी तरह से वो भी चोटिल था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से नेशनल हाईवे करनाल जो सड़क हादसों का हाईवे बनता हुआ नजर आ रहा है, इस तरह के बहुत से हादसे यहाँ पर होते हैं। और 112 की पुलिस की टीम जो है मौके पर पहुंच जाती है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंच गई और घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है। जिसकी लाइव तस्वीरें समय नेशनल हाईवे करनाल से समय आप देख रहे थे। रूट को किस तरह से आप देख सकते हैं ताकि हाईवे पर जाम ना लगे, किस तरह से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हाईवे पर गाड़ी को खड़ा ना करें, क्योंकि इस तरह से और भी हादसे पेश आ सकते हैं। हाईवे पर सावधानी से गाड़ी जरूर चलाएं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ ही देर पहले हमने आपको हादसा दिखाया था कि हाईवे पर इसी तरफ जो है हादसा हुआ, करनाल से तरावड़ी की तरफ जा रहा एक परिवार जो मोटरसाइकिल पर सवार था, जिसमें एक माँ की और 2.5 साल की बिटिया की मौत हो जाती है। तभी जानकारी आती है पुलिस को कि किस तरह से एक और हादसा हो गया। एक और हादसे में एक व्यक्ति जो सड़क क्रॉस कर रहा था उसको कोई बड़ा व्हीकल टक्कर मारकर भाग गया। तुरंत जो है 112 की टीम मौके पर पहुंची और उस घायल व्यक्ति को भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। लेकिन एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ। नेशनल हाईवे करनाल पर इस तरह के बहुत से हादसे पेश आते हैं शाम के समय, लेकिन हमें भी सावधानी से देखना चाहिए। अगर आप हाईवे क्रॉस कर रहे हैं तो देखना चाहिए कि सामने से कोई व्हीकल नहीं आ रहा तो ही आप हाईवे क्रॉस करें, क्योंकि इस तरह के हादसे पहले भी कई बार देखे जा सकते हैं। कई लोगों की पहले भी जान जा चुकी है। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि सावधानी जरूर बरते, सावधानी में ही भलाई है। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी।
फिलहाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो तस्वीर ट्रक का पता चला सर, कोई ट्रक वाले का नहीं, हम तो खड़े हैं। कहाँ पड़े आदमी? सर वो बड़ा बोर्ड लगा ना गाड़ी के एंट्री परली साइड में। हाँ जी हाँ जी, वो गाड़ी खड़ी बात पे। तो वहाँ क्या पड़ा सर? बंदा पड़ा हुआ। एक और किसी को मार गया कोई लगता है? एक और व्यक्ति को आगे शायद कोई मार के गया है, क्या वो उसकी हालत कैसी है उस पर भी हम जाएंगे ताकि आपको बताया जा सके। लेकिन एक बहुत ही दर्दनाक हादसे में एक माँ की और एक बेटी की मौत हो गई है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो तस्वीरें देख सकते हैं अभी 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 एक और हादसा हो जाता है नेशनल हाईवे पर। एक व्यक्ति को जो सड़क क्रॉस कर रहा था उसकी बुरी तरह से कोई बड़ा वाहन टक्कर मारकर चला गया और आप देख सकते हैं जैसे ही दूसरे एक्सीडेंट की खबर कर रहे थे तभी जानकारी मिली है कि एक और व्यक्ति को टक्कर मारकर फरार हो गया। तुरंत आप देख सकते हैं डायल 112 की गाड़ी में किस तरह से उस घायल को हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। वो शख्स बुरी तरह से वो भी चोटिल हुआ है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं डायल 112 की गाड़ी में, उस व्यक्ति को भी हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है। ये तस्वीरें नेशनल हाईवे पर है, नेशनल हाईवे पर इस तरह से बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमें सावधानी बरतने की जरूरत है और एक बहुत ही दर्दनाक हादसा पहले भी हुआ जहां की हमने आपको तस्वीरें दिखाई और अब भी आप देख सकते हैं कि एक घायल व्यक्ति को बुरी तरह से हॉस्पिटल में लेकर जाया जा रहा है, बुरी तरह से वह चोटिल हो गया। कौन था वह गाड़ी वाला जो टक्कर मारकर भागा इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। आप देख सकते हैं हादसा बहुत ही भयानक हुआ है, इस व्यक्ति की हालत भी बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है, जिसके बाद आप देख सकते हैं डायल 112 की पुलिस की टीम जैसे मौके पर पहुंची और अपनी गाड़ी में तुरंत जो है हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। नेशनल हाईवे पर रोजाना इस तरह के दर्दनाक हादसे होते हैं जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। हाईवे पर चलते समय सावधानी बरते जाने की बहुत जरूरत है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक हादसा हुआ था जिसमें एक 2.5 साल की बिटिया और उसकी मां की मौत हो गई और उसी हादसे के 10 कदम दूरी पर एक और बड़ा व्हीकल को एक व्यक्ति को टक्कर मारकर भाग गया, जिसके बाद आप देख सकते हैं डायल 112 की गाड़ी उस घायल को हॉस्पिटल लेकर जाती हुई नजर आ रही है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, एक बहुत ही भयानक सड़क हादसा हुआ, एक बहुत ही भयानक एक और सड़क हादसा हुआ जिसके बाद डायल 112 की गाड़ी यहां पर मौके पर पहुंची और उस घायल को भी हॉस्पिटल में ले जाया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ, कौन व्हीकल था जो टक्कर मार गया कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस की टीम तुरंत भागी भागी मौके पर आई, जैसे लोगों ने बताया कि एक और यहां पर हादसा हुआ जिसके बाद उस व्यक्ति को भी डायल 112 की गाड़ी हॉस्पिटल ले गई है। एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ, सर क्या बताना चाहेंगे, एक और हादसा हुआ यहां पर जब दूसरा हादसा? अभी इसके बारे में पता नहीं है, गाड़ी अननोन है, गाड़ी का नंबर भी नहीं पता अभी तक। तो काफी बुरी तरह से चोटिल हुआ है? बुरी तरह चोटिल है, 112 में ले गए हॉस्पिटल में। हाँ जी सर। तो बिल्कुल एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया गया क्योंकि जब तक एम्बुलेंस का इंतजार होता तो तब तक उस व्यक्ति की जान जा सकती थी, क्योंकि बुरी तरह से वो भी चोटिल था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से नेशनल हाईवे करनाल जो सड़क हादसों का हाईवे बनता हुआ नजर आ रहा है, इस तरह के बहुत से हादसे यहाँ पर होते हैं और डायल 112 की पुलिस की टीम जो है मौके पर पहुंच जाती है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंच गई और घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है, घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय नेशनल हाईवे करनाल से समय आप देख रहे थे। रूट को किस तरह से आप देख सकते हैं ताकि हाईवे पर जाम ना लगे, किस तरह से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें, हाईवे पर गाड़ी को खड़ा ना करें क्योंकि इस तरह से और भी हादसे पेश आ सकते हैं। हाईवे पर सावधानी से गाड़ी जरूर चलाएं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ ही देर पहले हमने आपको हादसा दिखाया था कि हाईवे पर इसी तरफ जो है हादसा हुआ, करनाल से तरावड़ी की तरफ जा रहा एक परिवार जो मोटरसाइकिल पर सवार था, जिसमें एक माँ की और 2.5 साल की बिटिया की मौत हो जाती है, तभी जानकारी आती है पुलिस को कि किस तरह से एक और हादसा हो गया। एक और हादसे में एक व्यक्ति जो सड़क क्रॉस कर रहा था उसको कोई बड़ा व्हीकल टक्कर मारकर भाग गया, तुरंत जो है डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और उस घायल व्यक्ति को भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। लेकिन एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ, नेशनल हाईवे करनाल पर इस तरह के बहुत से हादसे पेश आते हैं शाम के समय, लेकिन हमें भी सावधानी से देखना चाहिए। अगर आप हाईवे क्रॉस कर रहे हैं तो देखना चाहिए कि सामने से कोई व्हीकल नहीं आ रहा तो ही आप हाईवे क्रॉस करें, क्योंकि इस तरह के हादसे पहले भी कई बार देखे जा सकते हैं, कई लोगों की पहले भी जान जा चुकी है। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि सावधानी जरूर बरते, सावधानी में ही भलाई है। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए
होगी, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।